बिहार में आइए, घूमिए फिरिए, ये आप ही का राज है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में भाषण देने के लिए नहीं आइए, चुनाव के बाद भी आप आइए, बिहार में रहिए। जैसे गुजरात में जाके रहते हैं, वो बुजुर्ग नहीं है, 74 ईयर्स का अगर हो गए हैं तो बुजुर्ग नहीं है, और बुजुर्ग है तो हम लोग सम्मान करते हैं बुजुर्ग को, तो 74 साल के बाद तो अब वो कल से ना बोलने लगे कि हम युवा हैं। हर आदमी अस्वस्थ होने के बाद व्हील चेयर पर जा सकता है, चाहे वो 75 साल का हो या 22 साल का लड़का हो, अगर अस्वस्थ है, पैर में कोई दिक्कत है, कमर में कोई दिक्कत है, बीमारी है, कोई तबीयत खराब है, तो कोई भी व्हील चेयर पर जा सकता है। अभी संजय झा जी को कौन समझाए, ये पूरे भारत को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि धर्म के ऊपर राजनीति कौन कर रहे हैं, और जिसको लेके भारत के अलावा भी विदेश में जितने भी देश हैं वो सब लोग ये चिंतित हैं कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं रहा। तो इसके ऊपर जांच का विषय मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और जिनके ऊपर से पैसा निकला उसे सवाल जवाब किया जाए कि आखिर कहाँ है, क्या पैसा है, किसका पैसा है, वो सवाल जवाब किया जाए। बिहार है और बिहार में हम लोग हर किसी को स्वागत करते हैं। मैं खाली यही उम्मीद करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, बिहार में आइए, घूमिए फिरिए, ये आप ही का राज है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय में भाषण देने के लिए नहीं आइए, चुनाव के बाद भी आप आइए, बिहार में रहिए। जैसे गुजरात में जाके रहते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, वहाँ के सरकार से मिलते हैं, उस राज्य के बारे में समस्या सुनते हैं, उस राज्य के समस्या को समाधान करते हैं, तो कभी बिहार में भी आइए, यहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री से मिलिए, बिहार के राज्य में जो समस्या है, युवा का, बेरोजगारी का हो, या जो भी समस्या है उसके बारे में समझिए, उसको दूर कीजिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में भाषण देने के लिए नहीं आइए, बाकी टाइम में भी आइए और बिहार में कुछ काम कीजिए। 40 में से 39 सीट आप जीते हैं और आपका दिल्ली में सरकार है, तो बिहार में आकर थोड़ा काम कीजिए, सिर्फ आके भाषण मत दीजिए। सिर्फ चुनाव के टाइम तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा है, तो है ही, इसमें क्या अलग बात है, वो बुजुर्ग नहीं है, 74 ईयर्स का अगर हो गए हैं तो बुजुर्ग नहीं है, और बुजुर्ग है तो हम लोग सम्मान करते हैं बुजुर्ग को, तो 74 साल के बाद तो अब वो कल से ना बोलने लगे कि हम युवा हैं, कल से तो ये ना बोलने लगे कि हम युवा हैं। संजय झा कह रहे हैं कि उनकी उम्र, तेजस्वी यादव की उम्र कम है, फिर भी व्हील चेयर से आ रहे हैं, संजय झा ने कहा। अभी संजय झा को क्या कहें, देखिए हर आदमी अस्वस्थ होने के बाद व्हील चेयर पर जा सकता है, चाहे वो 75 साल का हो या 22 साल का लड़का हो, अगर अस्वस्थ है, पैर में कोई दिक्कत है, कमर में कोई दिक्कत है, बीमारी है, कोई तबीयत खराब है, तो कोई भी व्हील चेयर पर जा सकता है। अभी संजय झा जी को कौन समझाए कि उम्र से और किसी के व्हील चेयर से जोड़ लेना, तो अभी संजय झा की समझ है, अभी उनको क्या समझाया जाए। चुनाव प्रचार में मुस्लिमों के साथ आप लोगों ने छल किया है, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, और जब वो चुनाव का समय आता है तो मुस्लिम, ये पूरे भारत को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि धर्म के ऊपर राजनीति कौन कर रहे हैं, और जिसको लेके भारत के अलावा भी विदेश में जितने भी देश हैं वो सब लोग ये चिंतित हैं कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं रहा, और भारत में भी आप मान रहे हैं कि देश में जाति धर्म का राजनीति कौन कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें को ख़त्म होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि लोग आते जाते रहेंगे, ये देश हमारा हमेशा रहने वाला है, और इस देश में ऐसी नफरत वाली राजनीति नहीं कीजिए जिससे हमारे आने वाला पीढ़ी को तकलीफ होगा। तीन चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, बहुत ही अच्छा हम लोगों ने प्रचार किया। तीसरा फेज के लिए हम लोग दरभंगा में स्टे करके उस कोसी में और मिथिलांचल में तमाम हम लोगों ने मजबूती से तैयारी किया, वहाँ पर रह कर एक एक वर्कर से मिला, अपनी बात को जनता के बीच में रखा। हमें पूरा उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो आपको चौंकाने वाला होगा, और बहुत ही अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन रहेगा। रोज खाएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।